दोस्तों स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। देखिए ऐसा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 2 मीटर, इससे 4 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 का डबल होता है 4, यानी ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो एफ पर ना रखकर 2F पर रखा है। और रूल ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2F पर रखा हुआ अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी 2F पर बनती है। तो ये जो रे जा रही है यहाँ से यानी ऑब्जेक्ट से, वो कन्वर्ज होकर 2F पर यानी एग्जैक्टली 4 मीटर की दूरी पर इमेज बनाना चाहेगी। तो ये दूरी आपकी हो गई 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर अब क्या किया गया है, यहाँ पर इस लेंस से 4 मीटर से 1 मीटर पहले यानी 3 मीटर की दूरी पर, मतलब मैं एक लेंस यहाँ पर रखने और जा रहा हूँ, और वो जो लेंस है वो इस वाले लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से 3 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। तो अगर 3 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो इस 4 से 1 कम हुआ, तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ ये कॉन्केव लेंस रखा गया। अब आपको इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 1 मीटर, और आपसे उसने पूछा है कि भैया फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ध्यान दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, 2 लेंस हो गए, तो ये वाला अगर अकेले होता तो इमेज 4 पे बना देता, लेकिन बीच में एक कॉन्केव लेंस भी आ गया जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा 2F पर बनने वाली इस इमेज को देखिए, यहाँ पर ये 3 मीटर तो चल लेगा क्योंकि 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी आपको दी हुई है 3 मीटर, मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी आपको दी हुई है 3 मीटर। तो 3 मीटर तो ये चल लेगी, उसके बाद ये बीच में आ जाएगा कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो ये जो लेंस है ये रेज को डाइवर्ज करेगा। अब डाइवर्ज कैसे करेगा इसको ध्यान सुनिए, यहां से दूरी कितनी है इस पॉइंट की जहां पर इमेज बनने जा रही थी, 1 मीटर, और 1 मीटर ही इसका फोकल लेंथ है। तो कॉनकेव लेंस के फोकस की ओर जाने वाली जो रेज होती है, कॉनकेव लेंस के फोकस की ओर जाने वाली जो रेज होती है वो पैरेलल हो जाती है। और रेज कहाँ जा रही है ध्यान दीजिए, यहीं पर तो इसका फोकस है भाई, यहां से 1 मीटर दूर। तो अब ये जो रेज है पैरेलल हो गई, और पैरेलल रेज कहाँ इमेज बनाती है, इंफिनिटी पर। तो इसकी इमेज की दूरी कितनी आई, इन्फिनिटी। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने 4 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी फोकल लेंथ है 2 मीटर, 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 पर ऑब्जेक्ट रखा है एक, पूछा है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो 4 की इमेज तो 4 पर ही बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल है कि 2F पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज 2F पर बनती है। तो यहां से आप 4 मीटर आगे चलेंगे, 3 मीटर आगे जाने पर ये दूरी 3 मीटर आगे हुई, यहां पर एक कॉनकेव लेंस रख दिया गया जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। अब आपसे कह रहा है फाइनल इमेज का बताइए, तो 3 मीटर चलने के बाद 1 मीटर बचा, यानी इसके फोकस जिसकी फोकल लेंथ भाई 1 मीटर है, तो फोकस 1 मीटर दूर यही तो हुआ। तो फोकस की ओर जाने वाली जो रेज होती है उसको कॉनकेव लेंस पैरेलल कर देता है, तो इन दोनों के द्वारा बनने वाले फाइनल इमेज की जो दूरी है वो इनफाइनाइट आएगी।